सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पावन और सामर्थी नाम में मैं आप सबके सलामती की दुआ मांगता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 15, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फलती है। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 और उससे आगे कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, परिपूर्ण जीवन, थोड़ा बहुत जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन। और प्रभु ने हमें आज का ये नया दिन देकर ये जीवन का वरदान दिया है, हमारी जिंदगियों में एक नया दिन फिर से जोड़ा है। प्रातः की इस बेला में स्तोत्रकार कहता है, कृतज्ञ हृदयों के लिए ये शोभन है कि वे परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, उसकी महिमा करें, उसकी इबादत करें और वो आप लोगों को महफूज करें। प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ रहें, उसका सानिध्य आपके घर में रहे। तो ये सुंदर मौका प्रभु हमें देता है इन भजनों के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करते हुए हम उसकी महिमा गाएं। इसलिए आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, महिमा गाएं। सच्चाई से प्रभु की महिमा करें। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं वे भी तुच्छ समझे जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, तेरा जी ना घबराए, मुझ में विश्वास कर और ईश्वर में विश्वास कर। इसलिए विश्वास करते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाते जाएं। क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, जीवित प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना।
अपना हृदय खोलकर प्रभु का वचन कहता है, अपने हाथों को उठाते हुए अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए जो गली की नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते जाओ। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और उससे आगे, तुम्हारे आंसू नदी की तरह बहते रहेंगे, वो रुके नहीं और प्रभु तुम पर दया करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, शैतान को अवसर ना दें क्योंकि वो दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है कि कब आपको फाड़ खाए। प्रभु कहता है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जीवन ज्योति तेरी आराधना, जीवन मुक्ति तेरी आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना, जीवन मुक्ति तेरी आराधना। आराधना हो आराधना, 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 आराधना हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वंदना के द्वारा, इस वंदना के द्वारा, आराधना के द्वारा, आराधना के द्वारा, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन सुनकर, आपका वचन सुनकर मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 11 पद संख्या 11, जो अपने भाई से बैर करता है, जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है, वो अंधकार में है। हालेलुया हालेलुया। अंधकार ने उसे, अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है, अंधा बना दिया। वो अच्छाई देखने में, वो अच्छाई देखने में असमर्थ है, असमर्थ है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, शैतान की हर एक हरकत धूर्तता की आत्मा मनुष्य को अंधा बना देती है, इंसान को अपने वश में कर लेते हैं, फिर वो नहीं जानता कि वो क्या करे। ऐसा ही एक वाक्य हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में, गरासा का अपदूत ग्रस्त जो भटकता रहता था, शैतान ने उसे जकड़ के रखा था, उसे जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता था, वो मकबरों में रहा करता था, लोगों को मारता, उन्हें ताड़ना देता और अनेक प्रकार की बुरी बातें उनसे बोलता था, वो सताता था, जंजीरों को तोड़ देता था। जैसे ही उसने ईसा को अपनी ओर आते देखा, चिल्लाने लगा, तुझे हमसे क्या, समय से पहले तू हमें सताने क्यों आ गया है। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी कई मौके ऐसे आते हैं जब हम अपने जीवन में इन बुरी आत्माओं को अनुभव करते हैं। वो क्रोध की आत्मा हो सकती है, ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा हो सकती है, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा हो सकती है, और ऐसी अनेक काम जो हमारे जीवन में शैतान उकसा कर हमारे द्वारा कराता है, हम प्यारे भाइयों और बहनों दूसरों के लिए पाप का कारण बनने लगते हैं, हमारे जीवन से आशीष नहीं बहती है। इसलिए आज हम प्रार्थना करें कि मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल करें कि हम लोगों के लिए आशीष के कारण बनें। प्रभु हम पर दया करें, हमें क्षमा करें, प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करें, प्रभु को अपने घर में जगह दें, प्रथम स्थान प्रभु को दें और वो आपका आदर करेगा, आपको तुच्छ नहीं जानेगा,
जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपको दर्शन देगा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी और आप स्वतंत्र हो जाएंगे और सत्य आपको आजाद कर देगा। आइए प्रभु को पुकारें और कहें, यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे सोच विचार पर अधिकार लीजिए। तुझको है पुकारते
से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे पापों से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे यीशु तुझको है पुकारती, आ 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 यीशु तुझको है पुकारती, सुबह कुछ तो है पुकार दे। धन्यवाद यीशु, आइए सुबह मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ, आइए सुबह कुछ तो है पुकार दे, आइए सुबह कुछ तो है पुकार दे, यीशु तुझको है पुकारते, पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे यीशु तुझको है पुकारते, तुझको है पुकारते, आइए सुबह तुझको है पुकारते, आइए सुबह तुझको है पुकारते। प्रियजनों, प्रभु को अनुभव करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब तक हम बुराई में रहते हैं, हम बंधनों में रहते हैं। जब ये बंधन खुल जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें आजाद कर देता है, इन बंधनों से वो हमें छुटकारा दिलाता है, हम सत्य को पहचानते हैं। समारी स्त्री, प्यारे भाइयों और बहनों, बंधन में थी, परंतु प्रभु यीशु से मुलाकात करने के बाद उसका मन परिवर्तन हो गया। वो अपने बीते हुए कल को, जिसे वो याद करती थी, वो भूल गई। अब वो संजीवन जल पीना चाहती थी। उसने प्रभु से मुलाकात के बाद अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। पेत्रुस ने जब यीशु का अनुभव किया तो उसने अंगीकार किया और यीशु को पहचाना कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। हमारे जीवन में भी हमें यीशु को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, यीशु की कृपा में बढ़ने की आवश्यकता है। नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में उसकी कृपा का जो लेवल है वो बढ़ते जाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इन सारे कामों के लिए एक बात आवश्यक है। बाइबल हमें बताती है कि हम लोगों को ईश्वर के अधीन रहने की आवश्यकता है। जब हम ईश्वर के अधीन रहते हैं तो हम शैतान की हर धूर्तता का सामना करने में प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। वो आपके सामने से भाग जाएगा। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा, ये बाइबल हमें बताती है। तो ईश्वर के अधीन रहने से, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ने लगती है।
हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है, हम उसे अनुभव करने लगते हैं। दानियल नबी के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह ईश्वर के अधीन था, इसलिए उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता था और उसे आशीष प्रदान करता था। पवित्र आत्मा का अभिषेक स्वयं यीशु मसीह को पिता ने दिया, अपने चुने हुए दासों को दिया, अपने चुने हुए प्रेरितों को दिया। जब वो मसा उन पर उतरा तो वो प्रभु को अनुभव करने लगे और उन्होंने बड़े बड़े महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए। आज की इस वंदना के दौरान प्रभु हमें भी आशीष प्रदान करें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रूह का मसा हम पर उतरे, हमारी जुबानों के बंधन खुलें, हम हालेलुया के नारे लगाने वाले बन सकें, हम महसूस करें कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करता है, हम महसूस करें कि वो हमारे घरों में मौजूद है। वो अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता। प्यारे भाइयों और बहनों, जो टूटे हैं उन्हें हिम्मत देता, ढारस देता। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों से कहा, यशायाह से कहा, जाओ और मेरी प्रजा से कहो कि ईश्वर उन्हें चंगा करेगा। ईश्वर ने उनके आंसुओं को देखा है, अब वो उन्हें पोंछ डालेगा। हम भी महसूस करें और ये अनुभव करें कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो हमें अपनी रूह के दुगना मसा प्रदान करता है। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, गुनाहों के लिए माफी मांगते जाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। दूर करो प्रभु पाप हमारे, दूर करो प्रभु पाप हमारे, दे दो अपना प्यार में, दे दो अपना प्यार में, बरसाओ प्रभु आशीष हम पर, बरसाओ हम पर, दे दो अपना प्यार में, दे दो अपना प्यार में, याद करो प्रभु दुख संकट में, याद करो प्रभु दुख संकट में, दे दो अपना प्यार में, दूर करो प्रभु पाप हमारे, 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 जनों। प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में, कि इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन अंधा बना दिया है, उन्हें अंधा कर दिया है। प्रियजनों, शैतान इंसान को जब अपने वश में कर लेता है तो उन्हें अंधा बना देता है। जब आप उसके वश में आ जाते हैं तो प्रियजनों, वो आपको हर बुरी बात के लिए, हर चीज के लिए जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, उकसाता है, इस्तेमाल करता है और नष्ट करता है। प्रभु का वचन योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 31 में, यीशु ने शैतान को संसार का नायक कहा है। ये कैसे हो जाता है? शैतान कैसे इस संसार का नायक हो सकता है? प्रियजनों,
उस संसार पर अपना दबदबा बनाए रखता है। इसलिए अगर अपने आसपास में आप देखेंगे तो बुराई का बोलबाला है, पाप का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर प्रकार की बुराई और अन्याय का बोलबाला है। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, हत्या, चोरी, शोषण, हर प्रकार की बुरी बातें प्यारे भाइयों और बहनों इस दुनिया में व्याप्त हैं। ईश्वर ने इंसान को इतना सुंदर बनाया, उसे इतना सजाया संवारा कि उसे अपने जैसा बनाया, और प्रभु ये कहता है मैंने अच्छा बीज बोया था परंतु ये डाली जंगली कैसे हो गई, ये पेड़ जंगली कैसे हो गए हैं, क्योंकि शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया है, उनके जीवन में जंगली बीज बो दिया। परमेश्वर तो सब कार्य अच्छा करता है, परंतु शैतान, इंसान का बैरी, परमेश्वर का बैरी आता है और जंगली बीज बोकर चला जाता है। लेकिन याद रखें, बाइबल हमें बताती है योहन का पहला पत्र अध्याय 3:8 में कि ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सभी कार्यों का दमन करे। ईश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ ताकि वह शैतान के सभी कार्यों को नष्ट करे, उनको दमन करे। इसलिए इस पवित्र वंदना के दौरान, इस प्रेजेंट वर्शिप के दौरान प्रार्थना करें कि शैतान की कोई भी चाल आपके बच्चे के जीवन में, परिवार में, दाम्पत्य जीवन में, आपके घर में, दफ्तर में, खेतों में, कहीं पर भी ना चलने पाए। यीशु के पवित्र लहू से आप सभी को कवर करता हूं, मसा करता हूं, सिर से लेकर पांव तक यीशु के पवित्र लहू से आपको ढकता हूं। हर एक अंधकार की शक्ति, बुराई का आत्मा, यीशु के नाम से आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों, परिवारों को छोड़े और निकलकर क्रूस के नीचे बंद कर, जल कर राख हो जाए। आपके घर ब्लेस हो, आपकी चौकटें ब्लेस हो, आपके घर के आटा गूंदने की परात ब्लेस हो जाए। जो निराशा में हैं, घबराए हुए हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है, प्रभु उन्हें ढारस प्रदान करे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है सावधान रहना। योहन का सुसमाचार अध्याय 8:34, जो पाप करता है वो शैतान का दास है, जो पाप करता है वो शैतान का दास है। योहन के पहले पत्र में भी प्रभु हमें बताता है कि जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। इसलिए आज प्रभु हमें इन सारी बुराइयों से आज़ाद करे और हमें अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। हमने प्रायश्चित किया है, प्रभु को ये पसंद आए, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं और उसकी स्तुति करें। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बाहर
अपने सिरों को झुकाएंगे। इस वक्त मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी सलामती की दुआ मांगता हूं। प्रभु आपको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। जितने भी लोग टूटे हुए हैं, हृदय से टूटे हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, प्रभु आपको हिम्मत दे, सांत्वना दे। प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। प्रियजनों, आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है, क्योंकि उसने आपको माता के गर्भ में रचा, आपकी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। जब आप अंधकार में गढ़े जा रहे थे तो उसने आपकी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, आपको आराम दिया। वही प्रभु आपको क्षमा करे और आपको चंगाई प्रदान करे। आज की ये प्रार्थना वंदना प्रभु को पसंद आए, हमारे गीत भजन प्रभु को पसंद आए, आपका घर उसकी मामूरी से भर जाए, उसकी शांति से भर जाए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। चंगा करने वाले, दया करने वाले यीशु राजा, तेरी इस प्रजा पर दया कर, जिन्होंने बड़ी भक्ति भावना से आज के इन वचनों को सुना और इन गीतों के द्वारा तेरी स्तुति की है। हे प्रभु, इनके परिवारों में, इनके चौकों बिछौनों पर तेरे रूह का दुगना मसा छाए। अपने पवित्र लहू से इन्हें कवर कर दे, सिर से लेकर पांव तक इन्हें ढकने की कृपा कर। इनके परिवारों, जीवन से, कामकाज से, हृदयों से, आत्मा से बुराई की हर ताकत दूर हो जाए। हे प्रभु यीशु, ये सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, सत्य ने स्वतंत्र करें, तेरा वचन इनकी अगुवाई करे, इनका मार्गदर्शन करे, इनको हर एक पाप बंधन से, प्रलोभन से बचा के रखे। आज हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं। असाध्य रोगों से पीड़ित जो लोग प्रभु रोग शैया पर हैं, बिस्तर पर हैं, इनके रोगों को चंगा कर दे, इनका दुख सहन करने की ने आशीष प्रदान कर, इनके दुखों को हल्का कर दे। लकवे से पीड़ित, अस्थमा से पीड़ित प्रभु यीशु, लिकोरिया, रक्तस्राव, अनेक बीमारियों से पीड़ित, शुगर की बीमारी से पीड़ित, ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित लोगों को चंगा कर दे, क्योंकि तू जीवितों का ईश्वर है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तू चंगाई प्रदान करता, मुक्ति देता, शांति, हिम्मत और सांत्वना प्रदान करता है। जितने लोगों ने विश्वास के साथ आज इस आराधना में भाग लिया है, इनके जीवन में तेरी आशीष उतरे, इनके घरों परिवारों में तेरी आशीष उतरे, ये अपने जीवन में नित्य तेरा सिमरन करते जाए और वचन के द्वारा शांति, चंगाई प्राप्त करें। हम तेरे दास प्रभु तुझसे निवेदन करते, मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए, सारी मानव जाति के पापों के लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों, सगे संबंधियों के लिए। हे प्रभु यीशु, हृदय से दुआ करता हूँ तेरी अगुवाई इन्हें जीवन में आशीष प्रदान करे। हमारी ये प्रार्थना तुझे पसंद आए, हमारी प्रार्थना कबूल कर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।